दोस्तों यह शिक्षा प्रद वीडियो केवल प्रशिक्षण के, के उद्देश्य से बनाया गया है किसी भी शंका की स्थिति में या कोई नया परिवर्तन होता है तो आप भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन कीजिएगा दोस्तों आज आपके सामने एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जो चुनाव से संबंधित तो है लेकिन चुनाव की जानकारी नहीं बताई जाएगी आपके प्रशिक्षण में सभी ने सभी जानकारियाँ प्राप्त कर लिए कि चुनाव कैसे करवाना है फिर भी अगर आपने जानकारी प्राप्त कर ली फिर भी इस वीडियो का आप अंत तक देखें क्योंकि विशेष वीडियो है हमें सभी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी उस मतदान केंद्र पर गलती हो ही जाती है अगर गलती नहीं होती है तो लिफाफे भरने में गलती हो जाती है फिर भी अगर अभी सही आसानी से हो जाता है तो सामान जमा करते करते आधी रात या सुबह हो जाती है आज हम ऐसे बिंदुओं पर बात करेंगे जो उस मतदान केंद्र पर बिल्कुल भी कोई गलती नहीं हो चुनाव सामग्री भी आप सबसे पहले जमा करावा पाएंगे इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे जाके इस वीडियो में आप पूरे पूरे खो जाएंगे आपके कीमती समय में से दस मिनट इस वीडियो को दीजिए इसके बाद निश्चित ही आप आपके मतदान केंद्र पर कोई गलती नहीं होगी और सामान भी सबसे पहले जमा करेंगे दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आपका लाइक करना और सब्सक्राइब करना ही हमारी मेहनत का फल है देख लेते हैं क्या है विशेष जानकारी उससे पहले ये चार्ट है चार्ट में चुनाव वाले दिन का सुबह छः बजे से लगाकर शाम को छः बजे तक की बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जानकारी और संक्षिप्त में देख लेते हैं ये चार्ट पूरा पूरा बी यू वी और सी यू सबसे पहले बी यू के तार को वी वी से जोड़ना है और वी वी के तार को सी यू से कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है एक और बात बी यू जो रहेगा वी के राइट में रहेगा और वी रहेगा बी यू के लेफ्ट में एक राइट में रहेगा और एक लेफ्ट में रहेगा बेलेट यूनिट के लेफ्ट में रहेगा वीवी वी, वी पेट, ये भी ध्यान रखना है उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कनेक्शन करने के बाद वीवी वी, वी पेट का जो पीछे वाला हिस्सा है ये जो बता रखा है जो काला नाव रहता है उस वो आड़ा रहता है सोया वो रहता है उसे हमें वर्किंग मोड में लाना है खड़ा करना है उसके बाद स्विच ऑन करना है उसके बाद सी का स्विच ऑन करना है जैसे सी यू का स्विच ऑन होगा वीवी वी, वी पेट में से सात पर्चिया गिरेगी और देखेगी छः एक अंधेरे में रहती है उस तरफ हमें नहीं जाना है अब देख लेते हैं उसके बाद हमें देखना है सी आर सी टी मोकपोल से पहले भी सी आर सी टी करना हो सकता है पहले से कोई उसमें मत पड़ा हो तो सी आर सी टी करेंगे उसके बाद मोकपोल करेंगे दिखावटी मतदान करना है उसके बाद फिर सी आर सी टी करना एजेंट के सामने उनको बताना है क्लोज रिजल्ट क्लियर और टोटल करके भी बताना है सी के बाद सीलिंग करना है और ये करना है हमें मॉकपोल और सीलिंग का समय रहेगा सुबह छः बजे से सुबह सात बजे तक का छः से सात बजे तक एक घंटे के समय में हमें मॉकपोल भी करना है सी भी करना है और सीलिंग भी करना है उसके बाद वास्तविक मतदान जो कि सुबह सात बजे स्टार्ट होगा वास्तविक मतदान प्रारंभ सुबह सात बजे किसी भी परिस्थिति में उसके बाद दिन भर मतदान चलेगा शाम को छः बजे मतदान समाप्त या आखिरी मतदाता जहाँ तक अपना मत नहीं दे वहाँ तक ये रहेगा समय छः बजे का उसके बाद मतदान समाप्त तो होने के बाद क्लोज वाला बटन दबाना है ये विशेष जानकारी और बिल्कुल ध्यान में रखना है क्लोज़ वाला बटन दबाना ही दबाना है उसके बाद सी यू का स्विच ऑफ करना है सी यू का स्विच ऑफ करना है उसके बाद वी वी में से बैटरी निकालना है हाँ बिल्कुल ये नया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो विशेष निर्देश दिए गए हैं चुनाव समाप्ति के बाद वी पेट में से बैटरी निकालना ही निकालना है अब हम बात करेंगे बिना बाधा के चुनाव संपन्न कैसे करवाया जाए जल्दी से जल्दी सामान कैसे जमा करवाया जाए हर मतदान केंद्र पर चार अधिकारी होते हैं पी जीरो जिसे हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं उनकी देखरेख में उनके निरीक्षण में पूरा चुनाव संपन्न होता है पी वन चिन्हित अधिकारी पी टू मतदाता रजिस्टर और अमित शाही का अधिकारी होता है पी थ्री सी यू का अधिकारी ऐसे इन चारों में से पी वन और पी टू ये व्यस्त रहते हैं दिन भर लेकिन पी जीरो और पी थ्री के पास काम कम रहता है लेकिन जवाबदारी अधिक रहती है पीठासीन अधिकारी पी जीरो के पास पूरे दिन की चुनाव क्षेत्र की विशेष जानकारी रखना रहती है सभी चुनाव कैसे संपन्न हो रहा है इसका ध्यान रखना रहता है क्योंकि सभी जवाबदारी उन्हीं की रहती है और पी थ्री केवल बटन दबाना ही रहता है लेकिन मतदाता ने मत दिया कि नहीं दिया उस डिस्प्ले पर सही चल रहा है या नहीं चल रहा है इसकी विशेष ध्यान रखना रहता है अगर ये वीडियो पीठासीन अधिकारी अगर देख रहे हैं तो आप ध्यान से देख लें मतदान के एक दिन पूर्व जितने भी अधिकारियों से काम लेना हो जितने भी काम सब एक दिन पहले ले लें क्योंकि उस तो दिन सभी में एनर्जी रहती है मतदान वाले दिन सुबह छः से शाम तक छः बजे तक अगर कोई काम करता है तो निश्चित ही उसके बाद कोई काम नहीं कर पाता है इसलिए जितने भी अपने काम हैं लिफाफों से संबंधित जितने भी दस्तावेज जितनी भी राइटिंग वर्क हो जितना हो सके केवल आखिरी में केवल आंकड़े भरना रहते हैं और अपन आसानी से काम कर लेंगे तो पीठासीन अधिकारी ध्यान से देखें इसे जितने भी काम करवाना हो पी वन से पी टू से पी थ्री से सभी काम मतदान के एक दिन पूर्व करवा लेंगे जिससे उस दिन कोई परेशानी नहीं आए क्योंकि उस दिन एनर्जी भी रहती है वो आसानी से काम कर लेंगे अगले दिन आपकी बात भी नहीं मानते हो चुनावी सामान जल्दी जमा करवाना है तो हमें अपने मतदान केंद्र से जल्दी निकलना पड़ेगा और जल्दी निकलने के लिए हमें एक दिन पहले काम करना ही करना पड़ेगा क्योंकि चुनाव वाले दिन शुरू से आखिर तक काम करने के बाद इंसान थक जाता है और काम नहीं हो पाता है और काम करेंगे भी सही तो काम गलत गलत होने लग जाते हैं इसलिए अधिक से अधिक का जो काम रहता है वो चुनाव के एक दिन पूरे अपने पूर्ण कर ले उसके बाद पीठासीन अधिकारी का कोई काम नहीं रहता है पी जीरो पी वन पी टू और पी थ्री अपना काम करते रहेंगे पूरे दिन भर चाहे तो पीठासीन अधिकारी विशेष विशेष प्रकार की जानकारियाँ अपने जो फॉर्मेट है वो पूरे कर ले अंधे शीतलांग वाले हों निविदित मतपत्र वाले हों ऐसी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं या एजेंडों से जहाँ जहाँ पर साइन करवाना हो वो आप पहले कर लें मतदान केंद्र का नाम मतदान क्रमांक पीठासीन अधिकारी के साइन जितने भी दस्तावेज जो चुनाव चलता रहेगा अब अपने फार्मेट फार्मेट भरते रहें जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ अब क्या रहता है उसके बाद जो पांच दस्तावेज रहते हैं मतपत्र लेखा पीठासीन की डायरी पी एस जीरो फाइव सोलह बिंदुओं की परीक्षण रिपोर्ट चौबीस बिंदुओं की जानकारी ये भी आप पहले ले केवल आंकड़े जो फिट करना है वो चुनाव समाप्ति के बाद हमें करना है जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाता है सबसे पहले क्या करना रहता है एजेंट को मतपत्र लेखा देना रहता है उसमें हमने आंकड़े डाले मशीन से ये इतने मत गिरे वो उसमें डाल दिए मतपत्र लेखा उनको दी और वहाँ से उनको रवाना कर दिया और अधिकतर सभी जानकारी ये सभी जानकारी लगभग लगभग सभी में एक ही जैसी रहती है कुछ ऊपर नीचे जानकारियां रहती है इन सभी में एक ही जैसी जानकारियां जाती रहती है अब हमें चाहे तो अपन चुनाव चलते समय ये सभी फॉर्मेट भर सकते हैं केवल आंकड़े आखिरी में अपन चुनाव समाप्ति के बाद भर सकते हैं चुनाव समाप्त होता ही अगर चुनाव छः बजे समाप्त होता है तो अगर अपने पास पूरी कंप्लीट जानकारी है तो हम छः तीस तक सभी जानकारी उसके अंदर भर देते हैं और सात बजे तक सभी लिफाफे भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि पहले से हमने लिफाफे में कौन सा फॉर्मेट कहाँ रखना है वो पहले से भरा रहता है उसके अंदर से निकाला जानकारी पुट करी उसमें रखी और वापस उस लिफाफे को अंदर रख दिया अपन चुनाव समाप्ति के बाद एक घंटे के अंदर वहाँ से अपन रिटर्न हो सकते हैं वहाँ से अपन अपने मतदान सामग्री जमा कराने के लिए जा सकते हैं अगर सही समय प्रकार से हम चलेंगे तो व्यवस्थित रूप से चलेंगे तो सामग्री हम जल्दी से जमा कर सकते हैं सामग्री जमा करवाने में ये पाँच पॉइंट है एक दो तीन चार पाँच ये आप अलग से ले जाएँ उसके साथ ये ई वी एम बी यू सी यू और वी वी पैट अगर ये पांच जानकारी और ये साथ में ले जाएंगे सबसे पहले क्योंकि इसकी जांच होगी ये देखने के बाद आपका काम हंड्रेड परसेंट हो गया ये अगर जमा हो जाता है तो केवल फिर रहता है परिनियत लिफाफे और अपरिनीत लिफापे वो आसानी से जमा हो जाते हैं अब हम लिफाफों की बात कर लेते हैं सभी लिफाफों पे चपड़ी नहीं लगाना है पहला लिफाफा क्रमांक एक वाला जो नीले कलर का रहता है उसके अंदर पांच लिफाफे और रहते हैं छोटे छोटे उन सभी पर चपड़ी लगाना है और जो दस्तावेज उसके अंदर अपने को पहले से रख देना है जैसे ही अपना काम पूरा हो जाता है उसकी एंट्रिया करके उसके वापस उसको इसके अंदर चपड़ी लगा के सील कर देंगे और बड़ा वाला लिफाफा जो रहा है जिसके अंदर छोटे छोटे लिफाफे जाएंगे बड़ा वाला लिफाफा सील नहीं करना है चपड़ी नहीं लगाना है उसे खुला लाना है अगला देख लेते हैं पीला लिफाफा जिसके अंदर ग्यारह लिफाफे रहते हैं उसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्रमांक चार प्रारूप चौदह अभ्यासित मतों की सूची वाला लिफाफा सील करना है बाकी कोई भी लिफाफा सील नहीं करना है बाकी सभी दस लिफाफे केवल गोंद से चिपका कर लाना है उनके ऊपर चपड़ी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा अगला लिफाफा भूरा लिफाफा उसके अंदर पहले से रहता है कौन कौन सी जानकारी उसके अंदर करना है तो उसके ऊपर भी चपड़ी नहीं लगाना है अगला रहता है जिसके अंदर जो शेष जानकारी रहती है वो उन सभी लिफाफों में हमें भरना रहती है दोस्तों जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए ऐसे तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा लेकिन जो साथी ये वीडियो और ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस वीडियो को लाइक कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कीजिए जिससे इस चैनल के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे और जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं उन्हें देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए थैंक यू